ओके, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपके शो को, प्रोमो को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, काफ़ी अच्छा प्रोमो है, क्या कहना चाहोगे? यस, थैंक यू सो मच. मुझे भी प्रोमो बहुत अच्छा लगा बिकॉज आई एम अ पार्ट ऑफ अ सुपरनैचुरल थ्रिलर फॉर द फर्स्ट टाइम. मेरे लिए ग्रीन स्क्रीन के बाद में जो विजुअल्स होते हैं वो देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा है. एंड आई एम जस्ट वेटिंग एंड गोइंग विद द फ्लो टू सी व्हाट्स नेक्स्ट. आई एम वेरी ग्रेटफुल एंड ओवरवेल्म्ड कि ऑडियंस ने इतने अच्छे से इस प्रोमो को रिसीव किया है. एट द सेम टाइम सोशल मीडिया पर भी काफ़ी फैंस ने तो काउंट डाउन लगाना भी शुरू कर दिया है कि अब 6 दिन बाकी है, और वो काउंट डाउन टाइमर जो होता है उसके साथ कि कब 8 अगस्त आए और कब 10 बजे और कब वो शो देख पाए. सो ऑलरेडी कई नए नए फैन पेजेस हाँ, भी बन बहुत गए. सारे फैन पेजेस बनने शुरू हो गए. सो आई एम होपिंग कि जिस तरीके से उन्होंने प्रोमो को रिसीव किया है वैसे इस शो को भी रिसीव करें, और बहुत प्यार और मेहनत से हमने ये शो बनाया. सो होपिंग फॉर द बेस्ट, फिंगर्स क्रॉस्ड. सर, क्या होने वाला अलग आपके कैरेक्टर में, कुछ अगर आप बता सके? ऑलरेडी यू आर द मास्टर ऑफ हॉरर. मास्टर ऑफ हॉरर विल I wouldn't accept that. I think I'm master of everything. Just kidding. इस शो पर आने की मेरी जो सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि इस बार मेरे पास कोई सुपर नेचुरल पावर नहीं. मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ, और जो इंसान रॉकी है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग इंसान है. बड़ा ही मतलब केयर फ्री है, अपॉर्चुनिस्ट है, मौके का फ़ायदा उठाना बहुत अच्छे से जानता है, फ्लर्ट है, फैमिली गाय है, लोग मतलब फैमिली से प्यार करता है, भले ही मतलब बाहर से कितना भी बुरा हो वो अंदर से तो अच्छा इंसान है. ऑल्सो सुपर पावर्स नहीं है और नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, और जब भी रॉकी स्क्रीन पर आएगा इट इज़ गोना ब्रिंग स्माइल ऑन योर फेस. ओके, आप दोनों ने एक साथ शूट किया है, तो हाउ वाज द एक्सपीरियंस शूट का, थोड़ा अगर आप बता सकें? इट वाज वेरी नाइस. द एनर्जी दैट ही ब्रिंग्स ऑफ स्क्रीन दैट रिफ्लेक्ट्स ऑन स्क्रीन, एंड इट्स वेरी इजी टू वर्क विद हिम एंड टू बी अराउंड हिम. यू नो, आई डोंट हैव टू थिंक ट्वाइस और ही डजंट गिव मी एनी एडिशनल स्ट्रेस. इज दैट इज टू हैपन बिफोर? नो, सम टाइम्स इट हैपेंस, यू नो, लाइक वाइब सही नहीं है, या यू नो इट्स हार्ड टू ब्रेक द आइस, और I don't know, like, you know, some people are just difficult, and he is just welcoming, and I love the way he is, so it just makes my work easy. शो में कितना रोमांस दिखने वाला है आप लोग? बहुत ज़्यादा क्योंकि कहीं ना कहीं रोमांस मतलब प्रोमो में भी दिखाई दे रहा है. exactly. तो ये वही ना, पिशाचिनी जो है ना एक कंप्लीट पैकेज है एंटरटेनमेंट का. आपको एक्शन भी मिलेगा, आपको ड्रामा भी मिलेगा, आपको रोमांस भी मिलेगा, इमोशन भी मिलेगा, थ्रिल भी मिलेगा, सुपरनेचुरल तो है ही है, आपको अमेजिंग विजुअल इफेक्ट्स भी मिलेगी. तो ये एक पैकेज है, और कहीं ना कहीं आई फील दैट आई एम वेरी lucky to have such amazing team around me and to give such good visuals and such good story to me. असल में आप हॉरर फिल्म में या हॉरर चीजें देखना पसंद करते हैं आप लोग? बिल्कुल भी नहीं. I am really scared of horror films and everything. I am really scared. I don't watch. और जबकि मैं I am now a part of supernatural show. पर ये ठीक है, ये चलेगा. I don't enjoy horror. I enjoy supernatural though. मुझे बड़ा पसंद है supernatural genre. Yeah. लेकिन नायरा बनर्जी जो पिशाचिनी है वो काफ़ी हॉरर हो सकती है, क्योंकि ऑलरेडी उनको एक्सपीरियंस है. तो कुछ कहना चाहेंगे, मतलब शो में भी आप मतलब शूट किया होगा, तो कुछ अगर आप बता सके किस तरह का बॉन्ड? कुछ विजुअल्स जो रहेंगे वो डेफिनेटली थोड़े फ्रीकिंग है, बट कहीं ना कहीं पिशाचिनी एज अ कैरेक्टर, पिशाचिनी इतना खूबसूरत है, इतना नायरा खुद इतनी खूबसूरत है कि आपको वो डरावने फेज में भी आपको वो खूबसूरत ही लगे. शी इज लुकिंग ब्यूटीफुल. वो मतलब ना ऐसे ही पिशाचिनी से प्यार हो जाए. ओके, आखिर में कलर्स इज अ बिग ब्रांड चैनल, खतरों के खिलाड़ी चल रहा है, तो आप किसको सपोर्ट?